जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 पौष मास शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को प्रिय होता है। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और प्रत्येक चतुर्थी के व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, इनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। केवल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और फिर आप उसे छोड़ करके प्रत्येक चतुर्थी को चंद्र देवता का दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हम चंद्रमा का दर्शन करें या नहीं करें, तो आप ध्यान रखें केवल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना गया है, उसके बाद आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 14 जनवरी 2024 दिन रविवार सुबह 8:02 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 5:01 पे। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि इसे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, इस कारण से जो भी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं सभी 14 जनवरी 2024 दिन रविवार को विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे। इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:28। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 9:09 और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 8:40 पे। तो रात्रि 8:40 के पहले ही भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, चौथ माता का पूजन करें और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रोदय जो कि दिन के समय में ही हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष में जो कि रात्रि में चंद्रमा उदित होते हैं, तो चंद्रास्त रात्रि 8:40 पे है 14 जनवरी को। तो रात्रि 8:40 से पहले ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:27 सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:08 से शाम 5:28 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि व्यतिपात योग होगा रात्रि 2:40 तक, उसके बाद वरियान योग। इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 10:22 से अगले दिन सुबह 7:15 तक होगा। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:22 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र।
अभिजीत मुहूर्त का जो समय है 14 जनवरी को, वह समय दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक होगा। तो इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करें, पंचावृषि अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अति प्रिय होता है, तो इन्हें दुर्वा दल अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें, विशेष करके मोदक आदि का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से चौथ माता का पूजन करें, चौथ माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें, इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक हो सके इस दिन गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अगर आप सब आगे के मकर संक्रांति, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के इन स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।